माइक्रोस्कोप तो पहले बेटे आप लोगों को क्लास में डिटेल में बताया गया क्या क्या है माइक्रोस्कोप। सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन क्या है उसकी बेस के बाद बेटे यहाँ पे हमारे पास ये आपको लाइट नजर आ रही है, ठीक है, हमारे पास लाइट सोर्स। उसके बाद बेटे यहाँ पे इसके मिरर्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, मिरर, जहाँ से हमने जितना उसको क्लोज करके देखना है कितनी उसकी रेजोल्यूशन पावर है उसके लिहाज से हमें देखना है। ये साइड पे क्या लगा हुआ है उसके नॉब्स से क्या होता है, हमने उसकी रेजोल्यूशन पावर को सेट करना होता है कि हमने इमेज को कितना ज़्यादा क्लियर देखना है कितना ज़्यादा क्लियर नहीं देखना है। ये आर्म क्या होते हैं, पूरे पूरी बॉडी को इसने क्या किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। ये हमारे ऊपर क्या है, पास यहाँ पे क्या पड़े हुए, ये हमारे पास बेटे आई पीस पड़े हुए हैं। आई पीस का क्या काम होता है कि हमने उसे अपनी आँख से देखना होता है, ये आई पीस है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कितने लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस है और डिफरेंट रेजोल्यूशन पार किए और वो हमने देखना होता है कि कौन से हमने जो देखना है माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या किसी भी डाइसेक्शन पार्ट का हमने हिस्सा लिया हुआ है, मतलब कोई स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट दिया उसको चेक कर रहे हैं या टिक सेल्स को चेक कर रहे हैं, ओनली सेल्स को चेक कर रहे हैं, कौन सा सेल चेक कर रहे हैं उसके लिहाज से हमने ये रेजोल्यूशन पार को सेट करना होता है। अब इट इसका काम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको स्टेज पे एक इसकी बेस सेट करते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की प्रोवाइड हम किसके जरिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करके भी हम लोगों ने, लेट्स सपोज हमारी ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम क्या है, इसको देखते हैं, सेट करते हैं पहले इसको इस फॉर्म में, ठीक है, सेट किया इसको, सेट करके हमने पहले सबसे इसको सेट किया दोनों पार्ट्स के दरमियान। उसके बाद ये हमारे आई पीस हैं, यहाँ से हम देखेंगे